गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमारा है अरे एंड बीमरा। तो अब अरे क्या होता है? अरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, या जिसको अपन बोलते हैं कलेक्शन। अरे इज एन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। कैसा डेटा स्ट्रक्चर? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स एंड सेम टाइप और कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन, यानी जिसके अंदर, यानी एक लेनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो डेटा है वो सेम टाइप का डेटा स्टोर होता है, और कैसी मेमोरी में स्टोर होता है? कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। क्लियर? अरे हमेशा जो अरे की जो फर्स्ट इंडेक्स होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से, और लास्ट इंडेक्स हमेशा एन माइनस वन, यानी जितनी वैल्यू आप पास करोगे उससे एक कम। अब जैसे हमने यहाँ देखिए इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, ये आपका है इंडेक्स। और ये जो नीचे बने ये इसके ब्लॉक्स बने हैं, मेमोरी एड्रेस बने हैं, जहां पे आपकी क्या होती है? वैल्यू स्टोर होती है। जहां पे आपकी क्या होती है? वैल्यू स्टोर होती है। क्लियर? अब डिक्लेरेशन ऑफ अरे, अरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? तो अरे को डिक्लेयर करने का, हम अभी सिंगल डायमेंशन अरे की बात कर रहे हैं, डिम अरे नेम एस डेटा टाइप। डेटा टाइप की बात, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाते हैं, साइज पास करते हैं। एक तरीका हमारे पास ये है, एक डिम ए नम एज इंटीगर, एक ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं या ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, डिम नम ब्रैकेट में फाइव एज इंटीगर, ओनली स्ट्रिंग अगर स्ट्रिंग बनाना तो डिम नेम एज स्ट्रिंग, ऐसे भी बना सकते हैं, डिम नेम फाइव एज स्ट्रिंग डबल, किसी भी टाइप का अरे हम यहाँ पे बना सकते हैं। एलिमेंट्स इनिशियलाइज करने का देखिए तरीका हमारे पास क्या है, इस टाइप से एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट लगा के वन टू थ्री फोर फाइव पास कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ तरीके हैं। अब आज सिंगल डायमेंशन अरे को अपन देखते हैं और इस पे काम करना आपको बताते हैं। क्लियर? तो सिंगल डायमेंशन अरे तो आपको मालूम ही, अरे एक डेफिनेशन बता दी, अरे को डिक्लेयर करने का तरीका भी आपको बता दें। तो न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं अपन, न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद अपन एक फॉर्म पे अरे को क्रिएट करें। तो यहाँ पे अपन नाम दे देते हैं प्रोजेक्ट का, जैसे प्रोग्राम इसका बना रहे हैं अरे। अब देखिए यहाँ पे सेव लोकेशन पूछा करता ना, तो आप अपने फोल्डर को सेट कर लीजिए जो आपने फोल्डर जहाँ पे भी बनाया हुआ है। क्लियर? उसके बाद ओके, अरे आपका सॉल्यूशन फाइल क्रिएट हो रही है, प्रोजेक्ट आपका क्रिएट, ये देखिए फॉर्म आ गया। अब इस फॉर्म पे हम अरे बनाते हैं और अरे को अपन प्रिंट कराते हैं। क्लियर? तो अपन सबसे पहले काम क्या करते हैं, एक लेबल रखते हैं। लेबल क्या रखते हैं? एक सिंपल पहले टेक्स्ट बॉक्स रख लेते हैं। क्या रखते हैं? टेक्स्ट बॉक्स, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं यहाँ से। ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स, मल्टी लाइन बना, डायरेक्ट यहाँ से क्लिक कर सकते हैं इसको। ये देखिए मल्टी लाइन, ठीक है, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इसको। एक प्रॉपर्टी और बता दें आपको, राइट क्लिक, जैसे अभी अभी क्या करते हैं इसको इधर उधर मूव कर सकते हैं, हम कहते हैं इसको यहीं पे फिक्स हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे आता है लॉक कंट्रोल, अब इसको आप मूव नहीं कर सकते, ठीक है, लॉक करना देखो, ठीक है। इस टाइप से आप किसी भी कंट्रोल को क्या कर सकते हैं? मूव करा सकते हैं। एक हमने यहाँ पे बटन ले ली, क्या ले ली? राइट क्लिक, पहले इस फॉर्म की प्रॉपर्टी राइट क्लिक, यहाँ हमने इसका प्रॉपर्टी जाके बोल्ड 10 कितना लीजिए, साइज 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ से राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में आके यहाँ पे इसका नाम दे दिया बीटीएन अरे, बीटीएन अरे, यहाँ पे हमने दे दिया इसका अरे, क्या नाम दे दिया? बीटीएन अरे। क्लियर? अब इसका नाम चेंज किया, तो यहाँ पे दे दिया टीएक्सटी आउट पुट,
टीएक्सटी आउटपुट, क्या दे दिया टीएक्सटी आउटपुट। क्लिक करेंगे इस पर, क्या करेंगे क्लिक, अब इस पर अरे बनाएंगे डिम, कौन सा डिम मतलब डायमेंशन ए, ब्रैकेट दे दिया हमने थ्री साइज, कितना थ्री एस इंटीरियर, क्या दे दिया एस इंटीरियर। अब इसमें एलिमेंट्स डालना, तो हमने आपको बताया ऐसे पहले पहला तरीका क्या इनिशियलाइजेशन का, ऐसे एलिमेंटेड वन टू कॉमा थ्री पास करिए, ठीक क्लियर। यहाँ पर आप इसको असाइन हो, अब इसको प्रिंट करवाना है किसी वैल्यू, टी एक्स टी डॉट टेक्स्ट इक्वल टू किस एलिमेंट्स इंडेक्स पास कर दीजिए आप एरिया टू इंडेक्स। तो देखिए रन कराओगे तो किस इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट कर देगा, टू, टू इंडेक्स पे कौन सा पड़ा हुआ है थ्री। तो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, देखिए आ गए थ्री क्लियर। अगर ऐसे ही इनिशियलाइज नहीं करना, इंडेक्स पे देना, तो इसमें जैसे आपने पास कर दिया थ्री ऐसे दे सकते हो जीरो, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगता, इसमें पैरेंथेसिस लगता है नाइनटी, इस टाइप से आप इसमें एलिमेंट को पास कर सकते हो। वैल्यू यहाँ से क्या कर सकते प्रिंट करा दीजिए, तो इस टाइप से हम इसको इनिशियलाइज कर सकते। एक तरीका ये बताया, एक तरीका आप ऐसे भी बता सकते, इसको कमेंट डाल दीजिए, एक तरीका क्या था डिम ए एस इंटीगर और यहाँ पे क्या पास कर दीजिए सर। तो दोनों में जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, क्लियर। ये देखिए यहाँ पे आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक। कुछ कंडीशन में आप यहाँ पे साइज पास नहीं करें, उस कंडीशन में यहाँ साइज पास नहीं करें, तो इस ये भी आपका अरे बने, दोनों में जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं, क्लियर। ये आपका अरे बन गया। अब मान लो हमको इसकी वैल्यू सारी वैल्यू प्रिंट करानी है, तो आपको क्या चलाना पड़ेगा, लूप डिम आई एस इंटीजर, क्या करना पड़ेगा आई एस इंटीजर। अब आपको प्रिंट कराना पड़ेगा फॉर, क्या करना पड़ेगा फॉर आई इक्वल टू वन, जीरो से लेके कहाँ तक थ्री तक, कहाँ तक थ्री तक। और यहाँ पर देना पड़ेगा टी एक्स टी डॉट किसको ए, और इसके अंदर क्या पास करना पड़ेगा आई, और यहाँ पे क्या देना पड़ेगा न्यू लाइन के लिए बी बी सी एल एफ, इसलिए जीरो दे रहा है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो एम परसेंट, और यहाँ पे कर दोगे ऐसे भी कर सकते हो ए डॉट लेंथ माइनस वन, जितनी भी लेंथ हो उसमें एक का क्या कर दे माइनस कर दे, ये देखिए वाली हो क्लियर, ये आपका यहाँ से चालू क्लियर। इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। अगर जैसे आपको एलिमेंट ही प्रिंट करना है तो डायरेक्ट यहाँ पे टू भी दे सकते हैं, कहाँ से जीरो से लेके कहाँ तक चलेगा ये टू तक चलेगा, ये देखिए आगे एलिमेंट। इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं। एक और तरीका होता है, एक लूप और होता है, नया लूप हम आपको बता रहे हैं अरे को प्रिंट कराने के लिए। अरे अगर हमें प्रिंट कराना है कलेक्शन की किसी भी एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है, तो उसके लिए एक हमारे पास लूप होता है। एक लूप कैसा होता है हमारे पास, उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर ईच, नया टाइप का लूप है फॉर ईच, ईच क्या लगा फॉर ईच। ये अरे किस टाइप का, इंटीगर टाइप का है ना, तो एक वेरिएबल बना लीजिए जैसे हमने यहाँ पे दिया इंटीगर टाइप का, आई को यूज कर लिया इन, अगर बनाना चाहते हैं डायरेक्ट इन ए बस, उसके टी एक्स टी डॉट टेक्स्ट इक्वल टू इसमें दे सकते हैं एम परसेंट इक्वल टू, और यहाँ पे किसको किसमें इसकी वैल्यू किसमें आ रही है की वैल्यू आई, और यहाँ पे आप इसको प्रिंट करा दें आई एम परसेंट बी बी सी एल एफ, बी बी सी एल एफ, ठीक। ये देखिए
तो ये जो होता है हमारे पास फॉर ईच लूप जो होता है वो हमारा कलेक्शंस को प्रिंट कराने, ऐसे भी कर सकते हैं देखते हैं। जैसे हमारे पास मान लो यहाँ पे हमने आईना बनाया होता, हम ऐसे भी दे सकते हैं, हम ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे दे सकते हैं एस एस इंटीजर इन ए डायरेक्ट वेरिएबल, तब भी ये, और यहाँ पे किसको प्रिंट करा देंगे एस पे, तो एक ही एक एक वैल्यू को रीड करेगा, ना स्टार्टिंग वैल्यू देने की ज़रूरत है और ना आपको स्टॉप वैल्यू देने की ज़रूरत है, एक एक एलिमेंट्स उठा के ऑटोमेटिक क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा आपका किसके अंदर, ये देखिए। तो अगर हमें किसी कलेक्शन को अरे वगैरह की वैल्यू प्रिंट करानी है तो उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, फॉर ईच लूप का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, फॉर ईच लूप का यूज़ करते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे अपन जैसे चाहते हैं कि अरे में वैल्यू इनपुट करें और उन वैल्यूओं को प्रिंट करना है, अब हम यूज़र डिफाइंड वैल्यू को इनपुट करना चाहते हैं, तो यहाँ बटन रखा अपन ने, टूल बॉक्स ले लिया, बटन ले लिया हमने यहाँ इनपुट, किस नाम से, इनपुट नाम से, ठीक है। तो राइट क्लिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमने जैसे यहाँ पे दे दिया इसका नाम इनपुट, क्या नाम दे दिया, इनपुट, क्या नाम दे दिया, इनपुट इनपुट, और यहाँ पर हमने कर दिया बी टी एन इनपुट, क्या नाम कर दिया, बी टी एन इनपुट, क्या नाम कर दिया, बी टी एन इनपुट, क्लियर। बी टी एन इनपुट करने के बाद इस बटन पे क्लिक करेंगे, अब हम यूजर डिफाइन यानी यूजर से वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ ले लिया डिम, एक अरे ले लिया ए आर, और यहाँ पे साइज दे दिया, मान लो हमने कितने एलिमेंट इनपुट करने हैं, 5 यानी 4, एस या ऐसे भी दे सकते हैं 1 2 5, 1 2 5, एस इंटीग्रल, एस इंटीग्रल, ठीक। फिर ये छोड़ दो, इस कीवर्ड का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ पर हमने दे दिया मान लो 4, कितने एलिमेंट डालने, 4, क्लियर। एक हमने लिए डिम आई एज इंटीगर, लूप चला दिया फॉर फॉर आई इक्वल टू 0 to 4, ठीक। और यहाँ किस में वैल्यू इनपुट करना, ए में, और यहाँ पे क्या करें, ए आर, यहाँ पे क्या पास कर दें, आई इक्वल टू किस में वैल्यू इनपुट कराएंगे, इनपुट बॉक्स, क्या लेंगे, इनपुट बॉक्स, और इसके अंदर दे देंगे एंटर द वैल्यू। अब ये हमारी स्ट्रिंग में आएगा तो इसको किस में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, इंटीगर में, तो यहाँ दे देंगे सी इंट, क्या दे देंगे, सी इंट, क्या दे देंगे, सी इंट, इसको यहाँ से इनपुट हो गई। अब इसकी वैल्यू को अगर प्रिंट कराना है तो अगेन अपन क्या करेंगे, फॉर भी लगा सकते हैं, फॉर ईच, फॉर ईच वेरिएबल का नाम दीजिए एस एस इंटीजर इन, किस कहाँ से आएगा, ए आर से वैल्यू आएगी, टी एक्स टी आउटपुट डॉट टेक्स्ट, उसी के में वैल्यू प्रिंट कर, तो यहाँ पर हम दीजिए एस एम परसेंट बी वी सी एल एफ, क्या दीजिए, बी वी सी एल एफ, देखिए। अब जो वैल्यू हम इनपुट करेंगे वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे डाला अपन, यानी जो वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं वो वैल्यू हमारी यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, क्लियर। अब हम क्या चाहते हैं कि जो वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं उन वैल्यूओं का सम करके दे, अपन अब सम का प्रोग्राम बनना चाहते हैं, यानी जो हम 5 वैल्यू इनपुट करें उन 5 वैल्यूज का इसको हमें क्या करवाना है, सम करने का प्रोग्राम लिखना है। तो अपन ने यहाँ पर ले लिया बटन, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बटन करें, जिससे नाम दे दिया अपन ने सम, क्या सम, ठीक। और यहाँ पर हमने बी टी एन सम, क्या कर दिया, बी टी एन सम, क्लिक। हमने यहाँ पर ये डिम डिम ए साइज दे दिया इसके अंदर मान लो 4 एस इंटीगर, उसके बाद लिया डिम सम आई एस इंटीगर, सम इक्वल टू
जीरो, क्या कर सम इक्वल टू जीरो फॉर आई इक्वल टू जीरो टू टू, यहाँ किस में डालना ए में, ब्रैकेट आई इक्वल टू इनपुट बॉक्स, क्या लेंगे इनपुट बॉक्स, एंटर द वैल्यू, अब इसको किस में कन्वर्ट कराना पड़ेगा इंटीग्रल सी इंट में, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे सी इंट, क्या लगा सी, और जो वैल्यू डाले वो वैल्यू हमारी क्या हो जाए सम हो जाए, तो सम इक्वल टू सम प्लस ए आई, क्या पास कर दे ए आई, क्लियर। अब अपन क्या करेंगे जो वैल्यू हमने डाली वो वैल्यू हमारी सम हो किया जाए, तो पहले हम वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे, वो प्रिंट होगी और उसी टेक्स्ट बॉक्स में अपन चाहते हैं टी एक्स टी आउटपुट डॉट टेक्स्ट एम परसेंट इक्वल टू डबल कोट में अपन क्या दे देंगे सम, और सम एम परसेंट सम, क्लियर। चाहते हैं यहाँ पे ठीक ये, अब इसको रन करा दीजिए, जो वैल्यू हम इनपुट करेंगे उनका हमें सम दे देगा 12, 23, 25, 32 सबका सम हमारे पास, तो इस टाइप से हम इसका सम कर सकते हैं, क्लियर। अगर मान लो जैसे हमें पांच नाम इनपुट कराने हैं, उन पांच नाम को प्रिंट कराना, तो जैसे ये हमारे पास है इंटीजर, इसको क्या कर देंगे हम स्ट्रिंग, कौन सा डेटा टाइप ले लेंगे स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम इसको सी इंट को हटा देंगे, अब मुझे सी इंट की कोई आवश्यकता नहीं, और यहाँ पे जब हम प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे हम स्ट्रिंग, क्या कर देंगे स्ट्रिंग। अब देखिए हम पांच नेम जो डालेंगे पांच नेम को ही देगा, दुष्यंत दे दिया, राम दे दिया, अमित दे दिया, सुमित दे दिया, हरि ओम दे दिया, सारे नाम हमारे पास प्रिंट करके दे दिए, तो चाहे स्ट्रिंग अरे हो चाहे वो इंटीजर अरे हो हम अरे पे इस टाइप से काम करते हैं, क्लियर। तो जितने भी आप चाहे प्रोग्राम अरे से आप बना सकते हैं, ये देखिए हमारा पूरा प्रोग्राम बन के यहाँ पे तैयार है, क्लियर। तो ये आप देखिए पूरा प्रोग्राम आपने यहाँ से इसको बना लिया, ठीक है, ये आई थिंक आप इसको कर लेंगे, अगर कोई दिक्कत आए तो आप हमको बताइए, क्लियर। चलिए आज हम नेस्टेड लूपिंग और बता देते हैं थोड़ा सा, नेस्टेड लूपिंग उसने छूट गई। तो जब हम किसी एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगाते हैं तो हमारा क्या कहलाता है नेस्टेड लूपिंग कहलाता है, क्या कहलाता है नेस्टेड लूपिंग। तो हम जैसे यहाँ पे राइट क्लिक और इसका हम दे देते हैं नेस्टेड लूप, कह दिया नेस्टेड लूप, ठीक है, और यहाँ पे भी नेस्टेड लूप, और यहाँ पे दे दिया हमने btn लूप, कह दिया btn लूप, क्लियर। क्लिक किया, अब हम जैसे मान लो स्टार प्रिंट कराना चाहते हैं वही तरीका, तो dim ijs integer, कह दिया dim ijs और dir, तो for आई इक्वल टू कहाँ चलाया हमने 2 से 5 तक चला दिया, अंदर आलू कहाँ चलाएंगे फॉर जे इक्वल टू 1 2 कहाँ तक चला देंगे आई तक चला देंगे, और यहाँ पे क्या दे देंगे टी एक्स टी आउटपुट डॉट टेक्स्ट एम परसेंट इक्वल टू डबल कोड में क्या प्रिंट करा देंगे स्टार, फिर नई लाइन पे प्रिंट कराने के लिए वही तरीका टी एक्स टी डॉट टेक्स्ट एम परसेंट न्यू लाइन के लिए क्या लगाते हैं बी बी सी आर एफ, बी बी सी आर एफ, ये देखिए प्रिंट हो गया। इस टाइप से आप प्रोग्राम यहाँ पे बना सकते हैं नेस्टेड लूपिंग। अब इसे आई प्रिंट करा देंगे तो लॉजिक देखिए 1 2 3 वाला हो जाएगा, अगर जे प्रिंट करा देंगे इस टाइप, जब हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगा देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है नेस्टेड लूपिंग कहलाता है। कोई भी आप इस तरीके से प्रोग्राम नेस्टेड लूपिंग का बना सकते हैं, क्लियर। तो ये आप लोग कर लेंगे, इसमें अगर कोई दिक्कत आए तो आप लोग हमको बताएंगे जरूर, ठीक है।
क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब जैसे मान लो लूपिंग के थ्रू हमको एबीसीडी प्रिंट कराना, कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी सर हमें एबीसीडी प्रिंट कराना, ठीक है। तो एबीसीडी प्रिंट कराने के लिए क्या करते हैं अपन, प्रॉपर्टी ए टू जेड कैपिटल ए टू जेड, उसका नाम दे दिया अपन ने बीटीएम ए टू। अब अपन ने यहाँ पे क्या किया, टेम फॉर चला दे सीधे से फॉर, तो फॉर एक ले लेते हैं अपन डिम आई एस इंटीग्रल, आई एस इंटीग्रल फॉर, ठीक। अब आपको मालूम है आई इक्वल टू एक फंक्शन, अगर याद हो आपको मैंने बताया था कि एक ए एस सी फंक्शन होता है, ए एस सी फंक्शन क्या करता है, उसके अंदर अगर हम कोई भी ए एस सी और इसके अंदर कोई भी अगर हम वो पास करते हैं लेटर, उसका क्या रिटर्न करता है आस्की कोड, तो हमने ए पास कर दिया। टू ए एस सी डबल कोट में क्या दे दिया हमने जेड, क्या दे दिया जेड, क्लियर। कहाँ प्रिंट करना है, टी एक्स टी डॉट टेक्स्ट एम परसेंट इक्वल टू। अब हमने क्या किया, आपको मालूम है एक हमारे पास फंक्शन होता है सी एच कैप होता है, इस फंक्शन के अंदर अगर कोई भी आस्की कोड पास करते हैं उसका ये क्या रिटर्न करता है, अल्फाबेट्स रिटर्न करता है, तो हमने यहाँ पे दिया क्लियर। अब आप यहाँ पे इसको रन करा दीजिए, ये देखिए ए टू जेड स्मॉल एबीसीडी कैपिटल एबीसीडी ने प्रिंट करके आपको पास दे दिया। देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगा, सिर्फ फंक्शंस का यूज किया, क्या कि ए एस सी फंक्शन आपको बताया था क्या करता है कि कोई भी अगर इसके अंदर करेक्टर पास करते हैं उसका क्या करता है आस्की रिटर्न करता है, तो आस्की रिटर्न जहां से करेगा वहां से स्टार्ट होगा, कहां पे स्टॉप होगा ये भी जहां पे आस्की कोड, और सी एच क्या करता है कि जो हम करेक्टर पास जो भी आस्की कोड आता है उसका क्या रिटर्न कर देता है करेक्ट, ए बी सी डी प्रिंट करके दे। स्मॉल करना है तो आप इसको स्मॉल कर दीजिए, किसमें प्रिंट कर देगा, स्मॉल प्रिंट कर देगा। आप और स्पेस चाहते हैं तो और स्पेस दे दीजिए, देखिए आपका स्मॉल एबीसीडी प्रिंट हो गया। तो किसी भी टाइप की आप यहाँ से एबीसीडी वगैरह अपनी प्रिंट करा सकते हैं, ये देखिए आपको पूरी एबीसीडी बन के यहाँ पे। कर्सिव राइटिंग में आपको चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करिए, फॉन्ट में जाइए, कहाँ जाइए फॉन्ट, फॉन्ट में जाने के बाद आप देखिए कर्सिव राइटिंग, अब आपका देखिए इसमें स्टाइल में आने लगा, क्लियर। तो आप कोई भी स्टाइल्स अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, देखिए ए बी सी डी आपके यहाँ पे प्रिंट होके आ गई। तो इस टाइप से आप फंक्शंस का यूज करके भी कोई चीज यहाँ पे बना सकते हैं, क्लियर। तो ये आई थिंक आप लोग कर लेंगे, फिर अगर कोई दिक्कत आए तो आप लोग हमको बताएंगे जरूर। आज हम ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि कुछ लोग पुराने प्रोग्राम्स भी नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको कंप्लीट कर लीजिए और कोई दिक्कत आए हमको बताइएगा। थैंक यू।